अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, फ्रीलांसर हैं, कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो हमारे लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है अपने कस्टमर्स को अपने तक पहुंचाना, अपने बिजनेस तक पहुंचाना। तो डेफिनेटली आई एम श्योर गूगल एड से ज्यादा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको टारगेट ऑडियंस परफेक्टली जो है पहुंचा सकता है, आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो डेफिनेटली गूगल एड कैंपेन जो है कैसे सेट करा जाता है, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं कैसे आप बहुत ही कम समय के अंदर अपना गूगल एड कैंपेन जो है वो सेट कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है गूगल एड कैंपेन्स के अंदर में। तो मेरा नाम है गाइस मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट की अगर आपने डिजिटल मंजीत को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो है साथ में साथ बेल का आइकन दबा लें सो दैट कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी हम चलते हैं सीधा एड की तरफ में, किस तरह से एड आपको क्रिएट करनी, किस तरह से पहला कैंपेन जो है सेट करना है। तो सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए गूगल एड का अकाउंट, तो उसको अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, यहां पे गूगल एड लिखना है यहां पे और सर्च करना है। तो सबसे पहले नंबर पे ही आपको एक यूआरएल देखने को मिलेगा जिसका है ads.google.com। आप डायरेक्टली आपका जो एड्रेस बार है उसके अंदर भी इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, बट अगर नहीं है तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पे। अगर आपके पास में पहले से अकाउंट है तो आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप यहां पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक नए रजिस्ट्रेशन पेज पे लेके जाएगा। यानी कि क्रिएट करने के लिए अकाउंट पहले से आपके पास में कोई भी एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, तो उसी जीमेल से आप जो है इसमें साइन इन कर सकते हैं। कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल्स आपको फिल कर देनी है और आप जो है रेडी हो चुके हैं, आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। तो मैं यहां पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूं, जो मैंने एक बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है वो आपको किस तरह से दिखता है उस लेआउट पे लेके जाता हूं। उसके बाद में आप उसमें जो है कैंपेन कैसे सेट कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाना, बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि गूगल का जो एड का जो पोर्टल है बेसिकली ये कई बार जो है ज्यादा टाइम ले लेता है आपका ओपन होने के लिए। सो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ये आपके होम पेज के ऊपर में लेके चला जाएगा। तो अभी यहां पे जो है यू कैन सी मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, लेकिन ये इंटरफेस जो है एक परफेक्ट नहीं है। सो अगर आपको इसको और आगे डिटेल के अंदर जो करना है तो आप यहां पे यू कैन सी लिखा हुआ स्विच व्यू, स्विच व्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो नाउ यू कैन सी एक बहुत ही डिटेल्ड चीजें हमारे पास में यहां पर आ चुकी हैं। अब हमने क्रिएट करना है कैंपेन, तो कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं। तो ये मेरा एक डेमो अकाउंट मैंने क्रिएट करके रखा है सो दैट आई कैन गाइड यू थ्रू एंड थ्रू। तो यहां पर जो है यू कैन सी आपका गोल आ जाता है कि आपका जो बिजनेस है उसका गोल क्या है, आपको सेल्स जनरेट करनी है, आपको लीड्स जनरेट करनी है, आपको वेबसाइट ट्रैफिक, ब्रांड अवेयरनेस करनी है, ब्रांड अवेयरनेस प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशंस करने हैं, ऐप प्रमोशंस करनी है, लोकल आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन बिजनेस है वहां पे फुटफॉल इंक्रीज करना है, या फिर आपका कोई भी गोल नहीं है फिर भी आपको एड रन करनी है। तो ये जो है आपके पास में कुछ गोल सेट करने का पैरामीटर्स है। जो भी जैसे मैं मान लेता हूं अभी मुझे यहां पे सेल्स जनरेट करनी है, तो सेल्स पे जैसे मैंने क्लिक करा मेरे पास अलग से फिर वापस से यहां पे सेलेक्ट दी कैंपेन टाइप। आप क्या करना चाहते हैं, सर्च एड क्रिएट करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, शॉपिंग एड करना चाहते हैं, अगर आपका कोई ई कॉमर्स वगैरह बिजनेस है तो आपको शॉपिंग का करना पड़ेगा, अगर आप यूट्यूबर्स हैं आप वीडियो एड करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई दूसरा बिजनेस है आप वीडियो प्रमोशंस करना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर में तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट जो आपके स्मार्ट एड्स होती हैं ये आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपकी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप पूरे हमारा कोई पेड कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर हम वन बाय वन सारी चीजों को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो डिस्कवरी एड्स हैं राइट, तो ये आपकी जो है जो भी आपका टारगेट है वो आप यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। लेट मी टेक दी सर्च, मैं यहां पे सर्च करना चाहता हूं, सर्च एड क्रिएट करना चाहता हूं। अब मेरे पास यहां पे चार ऑप्शंस हैं, मैं वेबसाइट विजिटर कर रहा हूं, वेबसाइट पे विजिट करवाना चाहता हूं, फोन कॉल, जब भी कोई मेरी एड पे क्लिक करे तो वो क्या होना चाहिए, उसका एक्शन क्या होना चाहिए, स्टोर विजिट होनी चाहिए, ऐप डाउनलोड होनी चाहिए, जो भी आपका टारगेट है वो आप यहां पे सेलेक्ट करें। मैं यहां पे ले लेता हूं टीजीएम, से फॉर एग्जांपल मेरी खुद की वेबसाइट है tgmacad.com राइट right? तो tgmacad.com बेसिकली हम लोग यहां पे आईटी के एंड डिजिटल मार्केटिंग के, चाहे वो गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के और एसईओ टूल्स वगैरह, व्हाटएवर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो भी आता है सब चीजें हम यहां पे
स्टडी करवाते हैं, डिटेल के अंदर इनडेप्थ लेके जाते हैं। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट बैच जो गूगल एड के लिए स्पेशली स्टार्ट होने जा रहा है वो फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। आपको 5 तारीख से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और 7 तारीख से जो है हमारा गूगल एड का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे टॉप पे 4 स्टेप्स आ गए। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, सेकेंड स्टेप यहाँ पे हमें ग्रुप सेट आपका जो ग्रुप्स वगैरह है वो सेट करने हैं, फिर एड क्रिएट्स करनी है, फिर उसके बाद में रिव्यू होगा और फाइनली आपका कैंपेन रेडी हो जाएगा। तो यहां पे मेरे को पूछ रहा है कैंपेन का नाम क्या रखना है, तो से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कर देता हूं डीएम कर देता हूं, डीएम वन कर देते हैं या डिजिटल मंजीत वन कर देते हैं। अब इसके बाद क्योंकि हम सर्च कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें डिस्प्ले नेटवर्क की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो एड है वो डिस्प्ले नेटवर्क पे भी अच्छी परफॉर्म कर सकती है तो आप इसको सेलेक्ट रहने दे सकते हैं। अदरवाइज जनरली अगर बात करें तो सर्च एड के अंदर हम डिस्प्ले नेटवर्क को अनचेक कर देना चाहिए, राइट, सो दैट कि हमारी जो एड है वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। अब यहां पे हमारे पास में कुछ और शो मोर ऑप्शंस हैं, ये आपकी डेट कब से एड स्टार्ट होगी, उसका एंड डेट वगैरह क्या रखना है आपको, राइट, आपका जो एड है वो कब से कब तक चलना चाहिए, सभी दिन चलना चाहिए या मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कौन से डे में चलना। अगर ऑल डे रहना है तो आप ऑल डे कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप जो है टाइमिंग सेट कर सकते हैं किस टाइम से किस टाइम तक जो है आपकी एड चलेगी, जो भी आपका पैरामीटर्स है आप यहाँ पे सेट कर लें। अब इसके बाद आपको टारगेट ऑडियंस सेगमेंट को सेलेक्ट करना है, यानी कि जो आपकी एड है वो कहां पे विजिबल होनी चाहिए, ऑल दी अक्रॉस वर्ल्ड, इंडिया के अंदर या अदर लोकेशंस। तो मैं से फॉर एग्जांपल यहां पे सिर्फ लेना चाहता हूं, से फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में करना चाहता हूं, सिर्फ मुंबई मुझे चाहिए, तो मैं यहां पे मुंबई महाराष्ट्र इंडिया सिटी ये मैंने यहां पे सेट कर लिया। तो ये सिर्फ मेरी जो एड है वो मुंबई के अंदर ही विजिबल होगी। इसमें बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं जो हमें सर्च सेट करने होते हैं, बट वो चीजें हम जो है पेड कोर्सेज के अंदर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम ईमेल आईडी और साथ में लिख दीजिए गूगल एड्स। तो 5 तारीख से पहले 5 फरवरी से पहले पहले अगर आप एनरोल करते हैं तो 7 तारीख से आपका जो है ये पूरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और 1 महीने तक जो है ये आपका कोर्स पूरा चलेगा गूगल एड्स का, सिर्फ गूगल एड्स का, और आप जो है गूगल एड मास्टर बन जाएंगे। तो अभी जो है हम यहाँ पे लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज आप किन ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, इंग्लिश वालों को, हिंदी वालों को, जो भी आपका ऑडियंस है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। मैंने दोनों यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद में जो है ऑडियंस सेगमेंट, ऑडियंस सेगमेंट जो है ये हमारे पेड कोर्सेज के अंदर ही हम पूरा पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज ऑडियंस सेगमेंट सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेल्ड काम होता है इसके अंदर, तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो ये पेड कोर्सेज के अंदर ही अवेलेबल हो सकता है। तो यहां पर जो है आपको बजट सेट करना, मतलब डेली बजट आपका क्या होना चाहिए। तो मेरा अगर डेली बजट है से फॉर एग्जांपल 500, तो आप 500 रखें, आपका 1000 है 1000 रखें, व्हाटएवर इट इज आपका जो भी बजट है आप यहां पे रख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहां पे आपका जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंस होने चाहिए, तो आप जो है बाय डिफॉल्ट यहां पे आपके कन्वर्जेंस होते हैं, देन आपका कन्वर्जन वैल्यूज होती हैं, ऑप्टिमाइज होता है, क्लिक होते हैं, है ना, इंप्रेशन शेयर होता है, तो जो भी आपका है अब यहां से सेलेक्ट कर ले। मैं अभी कन्वर्जेंस रहने देता हूं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहां पर हमारे पास में एड एक्सटेंशंस है, एड एक्सटेंशंस यानी कि आपका कोई वेबसाइट है तो आपके वेबसाइट के पेजेस हो सकते हैं, लैंडिंग पेज हो सकते हैं, राइट, आपके जो है कॉल करने के एक्सटेंशन, तो आपके जो गूगल का जो भी एड चलेगी उसमें आपका नंबर फ्लैश होगा तो लोग जो है आपको कॉल भी कर सकते हैं, जो भी आपको सेट करना है आप यहां से सेट कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं सीधा कंटिन्यू एंड सेव करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, हमें नहीं अभी करना है, आपको करना है तो आप यहां से सेट कर सकते हैं, ये चीजें भी हैं। अब इसके बाद जो है हमारा सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे। सो एज आई सेड कि गूगल जो है ये थोड़ा सा कई बार टाइम ले देता है, बिकॉज काफी सारा गूगल एड के पास में डेटा, बहुत ह्यूज डेटा है पूरे अक्रॉस दी वर्ल्ड, तो डेफिनेटली इतना ज्यादा इनके सर्वर्स के ऊपर में लोड होता है तो ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो यू कैन सी
आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम करना, रिफ्रेश नहीं करना है जब भी आप ये काम करें। तो यू कैन सी अब मेरे पास यहां पे बोल रहा है एड ग्रुप नेम क्या डालना है आपको, तो मैं जो भी नाम डालना मैं यहां पे डाल सकता हूं। से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कर देता हूं डिजिटल मंजीत वानी कर देता हूं, मुझे आपको जो करना है कर सकते हैं। जो मेरी वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग यहां पर यू कैन सी इसने मेरे पूरे जो कीवर्ड है मेरी वेबसाइट के ऊपर मैं वो सारे यहां से पिकअप कर लिया। आपको कुछ और ऐड करने हैं तो आप यहां पे और ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। से फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे सर्च करना है, मुझे कोई एक नाम लेना है, से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कर लेता हूं गूगल एड मास्टरी, है ना। तो जो भी आपको करना है यू कैन सी यहां पे कुछ पैरामीटर्स हैं, ब्रॉड मैच और फेज मैच और एग्जैक्ट, ये क्या होते हैं, ये हमारे बिल्कुल जो हमारा पेड कोर्स है उसके अंदर हम डिटेल के अंदर वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये करने के बाद हम यहां पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जो अभी जो है हम क्या करेंगे थर्ड फेज पे आ जाएंगे। तो थर्ड जो आपका है अभी आपको एड को क्रिएट करना है, यानी कि आपकी जो एड है उसमें क्या दिखेगा ऑडियंस को, तो वो हमने यहां पर क्रिएट करना है, राइट। तो यहां पे हमारे पास में जो भी आपका फाइनल यूआरएल है वो आपको यहां पे डाल देना। यू कैन सी यहां पे एक एरर आ रहा है, हमें नोटिफिकेशन है बेसिकली, क्योंकि गूगल जो है वो अनसिक्योर वेबसाइट के ऊपर में आपका कोई भी एड रन नहीं करता। तो आपको यहां पे https यानी कि आपकी वेबसाइट के अंदर अगर वेबसाइट कर रहे हैं तो आपके पास में SSL सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो नाउ यू कैन सी यहां पर आपका जो है जो मार्क आ रहा था यहां पे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा था वो आपका रिमूव हो गया और आपकी एड कैसी दिखेगी यहां पर। इसने ऑलरेडी मेरे पास जो है पूरा मेरी वेबसाइट को स्कैन करके कीवर्ड पिकअप कर लिए और साथ ही साथ यहां पे कुछ हेडलाइंस जो है वो जनरेट कर दी। तो अगर आपके पास में भी कोई आइडिया है आपके अकॉर्डिंग तो आप अपने अकॉर्डिंग हेडलाइंस डाल दें यहां पे। उसके बाद हमें यहां पे जो है डिस्क्रिप्शन डालने होते हैं, आप यहां पे डिस्क्रिप्शन डाल दें। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आपको डायरेक्टली यहां पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब अगर आपकी एड के अंदर कोई भी एरर्स हैं तो ये आपको एरर दिखा देगा, अगर नहीं है तो आप जो है डायरेक्टली इसमें रिव्यू करके आगे फाइनल कर सकते हैं। तो यू कैन सी यहां पे मेरे पास एक इशू बता रहा है और यहां पे इशू क्या है, इसको फिक्स कैसे करना है, आप यहां पर फिक्स इट पे क्लिक कर सकते हैं। और आपको यहां पे देख सकते हैं यहां पे लिख कर आ रहा है कैपिटलाइजेशन, यानी कि गूगल जो है आपके वर्ड्स जो गूगल की एड होती है उसमें ज्यादा कैपिटल वर्ड्स को जो है इस्तेमाल करने नहीं देता। यू कैन सी यहां पर TGM यहां पे IT ये सारे कैपिटलाइजेशन जो है आपको इसको क्या करना है, आपका मतलब ये थोड़ा सा इसको आपको क्या करना है सिंपल कर देना है ना। आईटी आप भले अगर आईटी रखना देते हो रहना देने चाहते हो तो आप रहने दे सकते हो, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। जो भी आपके डिटेल्स हैं यहां से आप उसको रिमूव कर दे, आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डालना चाहता हूं लर्न डिजिटल मार्केटिंग, राइट, इस तरह से भी डाल सकता हूं। यहां पे हम एक और हेडिंग डाल सकते हैं ज्वाइन जस्ट फॉर रुपीज, है ना, जो आप ऑफर दे सकते हैं फॉर से फॉर एग्जांपल 4000 ओनली। तो जो भी आपको डालना है वैसी आप हेडिंग डालने के बाद में डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका कैपिटलाइजेशन का जो इशू है ये भी होना नहीं चाहिए। प्लस यू कैन सी यहाँ पे फ्री वर्ड हमने कैपिटल दिया हुआ है, बाकी और यहाँ पे जो है हमारे बिल्कुल ऑल सही लग रहे हैं। अब एक बार जो है यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके देखते हैं। तो इस तरह से आपको इश्यूज को आइडेंटिफाई करना होता है और उसको जो है क्रिएट करना होता है। तो यू कैन सी अभी भी जो है ये कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा है, तो विच मीन्स अब जो है आपके पास में यहां पे देखो एड फ्यू एलिमेंट्स इन दी कलेक्शन, यानी कि ये जो हेडलाइन हमने डाली है ये अभी सफिशिएंट नहीं है तो आपको इससे और हेडलाइंस डालनी पड़ेंगी। तो मैं अभी यहां पे जो है से फॉर एग्जांपल आईटी ट्रेनिंग कर देता हूं और यहां पे ऑनलाइन कर देता हूं, तो ये मेरे काफी सारे वर्ड्स हो गए और फ्यू एलिमेंट्स और हमें डालने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी कि अब जो है हमारी एड किस तरह से विजिबल होती है, राइट। तो जो भी इश्यूज हैं वो आपको रिजॉल्व करने हैं। तो नाउ यू कैन सी सारे इश्यूज हमारे फिक्स हो गए। अब इसके बाद आपको सीधा यहां पे पब्लिश पे क्लिक करना है और आपका कैंपेन जो है वो ऑल सेट है। बस इसके अंदर आपको जो है अकाउंट के अंदर पेमेंट ऐड करनी है और पेमेंट ऐड करने के बाद में डायरेक्टली आपका जो ऐड है वो विजिबल हो जाएगा। बट मुझे जो है अभी ये ऐड क्रिएट नहीं करनी है, अगर क्रिएट करनी है तो आप यहां पे पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा कैंपेन जो है वो सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप जो पूरा आपका एड कैंपेन है वो रन करेंगे। आई होप गाइस आपको जो है पूरा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से गूगल एड कैंपेन जो है आप सेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और आप जो है इसके बारे में गूगल एड मास्टरी करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप में अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और गूगल एड लिख के अगर सबमिट करेंगे तो 5 फरवरी को जो है हम देने वाले आपको एक डेमो क्लास, उसके बाद में 7 फरवरी से हो जाएगा आपका 1 महीने का गूगल एड मास्टरी कोर्स चालू। तो आप जो है गूगल के अंदर एड के अंदर मास्टर जो है वो बन जाएंगे। सो गाइज आज का इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं एक अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।